वेरी वेरी जॉली गुड। राय के पहाड़ पर 3 फुटा लीली फुट। वॉश मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम पिछले दशक के टॉप 10 बॉलीवुड डांस सीक्वेंस का काउंटडाउन कर रहे हैं। इस लिस्ट में हम बॉलीवुड के उन गानों पर नजर डालेंगे जिनके डांस कोरियोग्राफी और कैची स्टेप्स ने हमें थिरकने पर मजबूर किया है कई सालों से, और हम उन धुनों पर भी नजर डालेंगे जिनके शानदार ऑन स्क्रीन जादू ने हमारे होश उड़ा दिए। आपने इनमें से किस डांस सीक्वेंस को अपने दोस्तों के साथ रिक्रिएट किया है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, बदतमीज दिल, ये जवानी है दीवानी। काश के असल जिंदगी में भी दोस्तों के साथ रीयूनियन बदतमीज दिल जैसे एक पार्टी एंथम के साथ होती तो काफी अरसों तक गायब रहने के बाद दोस्तों से मिलना शायद आसान हो जाता। धमाल मचाते हुए अगर आप थोड़ा पसीना भी बहाना चाहते हैं तो ये गाना बिल्कुल सही बैठेगा आप पर। पान में पुदीना देगा, नाक खाना गिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी से डर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। और कौन जानता था कि सूट पहनकर नाचना मजेदार भी हो सकता है और इतना अच्छा भी दिख सकता है। रणबीर कपूर को देखकर ये लगता है कि पूरा सीक्वेंस बहुत ही आसान रहा होगा। अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचानना, जिद पकड़ के खड़ा है, कम वक्त छोड़ना जानना। लेकिन खुद उन्होंने माना है कि उन्हें काफी रिहर्सल्स करनी पड़ी थी। कोरस के लिए कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के हुक स्टेप्स इतने बड़े हिट हुए कि डम शेराज के खेल में अगर ये करे तो कोई भी आसानी से पहचान लेगा ये गाना। नंबर 9, घर मोरे परदेसिया, फिल्म कलंक। बॉलीवुड के गानों में बेहतरीन कथक प्रदर्शन कम ही देखने को मिलता है आजकल, और निपुण नर्तकी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित किसी गाने में नृत्य ना करे भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन माधुरी दीक्षित को घर मोरे परदेसिया में एक भावपूर्ण शास्त्रीय गीत गाते हुए देखा गया है। और डांसर्स का एक ग्रुप बड़ी खूबसूरती से उनके सोरों पर झूमता है। जल्द ही अभिनेत्री आलिया भट्ट इस शानदार महोत्सव में शामिल हो जाती हैं। असल में ये गाना प्रेम के बारे में है, एक संगीतमय वार्तालाप है। डांसर्स के सुंदर नृत्य और आलिया भट्ट के हाव भाव गाने में 4 चांद लगा देते हैं। आलिया ने न केवल 1 साल तक इसका अभ्यास किया, उन्होंने इस विशेष गीत पर 2 महीनों से ज्यादा समय तक काम किया, और यहाँ तक कि अपने भावों को सही करने के लिए प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज से भी सलाह ली है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, उस सारी मेहनत का नतीजा काबिले तारीफ जरूर है। नंबर 8, शीला की जवानी, मूवी 30 मार खां। इस गाने का मुखड़ा सुनते ही हमें ये पता चलता है कि इसका एक अलग ही नशा चढ़ने वाला है, और हो भी क्यों ना, कटरीना कैफ अपने लटके झटकों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ये गाना ऐसी महिला के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है जो अपने आप में खुश है और जानती है कि वो किस काबिल है। छह अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, कुछ एक्रोबैटिक्स और कटरीना के कामुक आकर्षण ने इस ट्रैक को सिजलिंग डांस नंबर की ऑल टाइम प्लेलिस्ट में पहुंचा दिया है। फराह खान द्वारा कोरियोग्राफ किए गए मूव्स, खास करके वो हुक स्टेप जो कई डांस कार्यक्रम में दोहराया गया है, कटरीना ने भी अपना नाम एक प्रभावशाली डांसर के रूप में स्थापित किया है। नंबर 7, नगाड़ा संग ढोल, मूवी रामलीला। हर साल बॉलीवुड हमें पारंपरिक बीट्स की एक अविश्वसनीय सिंफनी के साथ एक गीत तो देता ही है जो नवरात्रि त्योहारों के प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाता है। नगाड़ा संग ढोल न सिर्फ इस लिस्ट तक पहुंचा बल्कि अपनी जगह पर अभी तक बना हुआ है। दीपिका पादुकोण ने पारंपरिक गुजराती लोक नृत्य गरबा में अपनी लाल और सुनहरी पोशाक में गोल घूमकर खूब मजे लिए हैं।
अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने बहुत ही भारी घाघरा पहना हुआ है। सुनने में आया है कि डांस सीक्वेंस की शूट के दौरान दीपिका को पीठ और कंधे में गंभीर दर्द और पैरों में सूजन का सामना करना पड़ा। पारंपरिक ढोल, चटकीले रंग, असाधारण बैकड्रॉप और भावुक डांस के साथ लोगों के दिलों में और हमारे इस लिस्ट में भी इस गाने ने जगह बनाई है। नंबर 6, फेविकॉल से फिल्म दबंग 2। करीना कपूर खान अभिनीत इस गाने ने न सिर्फ दूसरे फुट टैपिंग नंबरों के साथ मुकाबला किया है, बल्कि अपनी फ्रेंचाइज के एक गीत मुन्नी बदनाम के साथ भी कम्पीट किया है। फिर भी फराह खान की कोरियोग्राफी के तहत करीना के बेजोड़ और सेक्सी मूवमेंट्स के साथ इसे बहुत बड़ी सफलता मिली है। भड़कीले कपड़ों, रंगीन प्रॉप्स जैसे कि नियॉन लाइट्स और खास तौर पर डिजाइन की गई कारों के साथ चकरा देने वाले परफॉर्मेंसेस को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जहां करीना अपने डांस के लिए जानी जाती हैं, वही फेविकॉल से में करीना की अलग स्टाइल में परफॉर्मेंस करने की क्षमता को दिखाया गया है। इसीलिए ये आइटम नंबर के रूप में उनकी पहली बड़ी हिट है। सिर्फ करीना उर्फ बेबो ने इस ट्रैक में रॉक नहीं किया है, बल्कि सलमान खान और अरबाज खान ने डांस मूव्स भी अनोखे अंदाज में किए हैं। नंबर 5, पिंगा फिल्म बाजीराव मस्तानी। एक मराठी लोक गीत का बॉलीवुड में सनसनीखेज तरीके से हिट होना अक्सर नहीं होता, पर ठीक ऐसा ही हुआ है बाजीराव मस्तानी का गाना पिंगा में। इसमें दो दिग्गजों दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को साथ देखकर देवदास से डोला रे डोला के वाइब्स दोबारा महसूस किए जा सकते हैं। साड़ियों, पारंपरिक गहनों और हेयर स्टाइल से सजी अभिनेत्रियों ने 12 दिनों में गाने की शूटिंग कर ली थी। रेमो डिसूजा की कोरियोग्राफी शानदार थी और दर्शकों के लिए भी ये एक सरप्राइज था, जो उस समय तक उनके डांस के वेस्टर्न स्टाइल के आदि थे। संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म के इस गाने को हमारा शानदार कहना भी बहुत कम है। अच्छा, इस तरफ ध्यान दें कि किस तरह हर फ्रेम इतना आकर्षक लगता है। इसकी वजह है इसका बैकड्रॉप, पारंपरिक वेशभूषा और शानदार सीक्वेंसेस। ये एक और गाना है जिसने इस पॉपुलर हुक स्टेप की लिस्ट में जगह बनाई है। नंबर 4, चिकनी चमेली फिल्म अग्निपथ। कटरीना कैफ ने बॉलीवुड को शीला की जवानी दी, लेकिन फिर मराठी शैली के लावणी डांस नंबर चिकनी चमेली के साथ अपने कद को और बढ़ा दिया। पुरस्कार विजेता ट्रैक चिकनी चमेली को अनुभवी गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। इसमें कटरीना को इसके तेज ताल के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में काफी मेहनत करनी पड़ी। गाने को 10 दिनों में शूट किया गया था और कटरीना को ना सिर्फ मूव्स पर बल्कि सही भावों पर भी ध्यान देना था। इसके लिए कोरियोग्राफर ने बाद में उनकी काफी तारीफ भी की, चाहे वो अपने हिप्स को आकर्षक ढंग से हिलाना हो। झूमर से लटकाना हो या आग के साथ नाचना हो, इस गाने में बहुत सारा ड्रामा है और कटरीना ने हर एक्सप्रेशन को बखूबी निभाया है। एक बार जब ये ट्रैक चालू हो जाता है तो दर्शकों के लिए लावणी स्टाइल को दोहराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस धुन पर नहीं नाचना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। नंबर 3, घूमर
फिल्म पद्मावत। अगर आपने अगली देसी पार्टी में लहंगे में डांस करने का ख्याल पहले ही छोड़ दिया है तो कुछ प्रेरणा लें और ढेर सारी हिम्मत के लिए दीपिका पादुकोण को घूमर में देखें। घूमर की राजस्थानी नृत्य शैली में कोरियोग्राफ किए गए इस ट्रैक के लिए दीपिका को बहुत ट्विस्ट और घूमने की प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। ये डांस फॉर्म गोलाई में गोल घूमने के लिए जाना जाता है। इसे और भी मुश्किल बनाया दीपिका के भारी भरकम लहंगे और असाधारण गहनों ने। गाने के लिए दीपिका ने निपुण नृत्य विशेषज्ञ ज्योति दी तोमार के पास 12 दिनों तक प्रशिक्षण लिया। मनमोहक दृश्य से ये लोकगीत बहुत आकर्षक लगता है और एक या दो बार घूमने की कोशिश के लिए भी प्रेरित करता है। नंबर टू, दिलबर सत्यमेव जयते। नए जमाने के संगीत के साथ पुराने गानों का रीमेक बनाना बॉलीवुड के लिए कोई नई बात तो नहीं है, पर हर कोशिश सफल नहीं होती है। लेकिन नोरा फतेह की दिलबर इस मामले में बड़े पैमाने पर सफल हुई है। इसने YouTube चार्ट पर धूम मचा दी, कई रिकॉर्ड बनाए और बेली डांस से दर्शकों को मोहित कर दिया। नोरा ने न सिर्फ फर्श पर, रेत पर और यहाँ तक कि पानी में भी कुछ जबरदस्त बेली डांस के साथ स्क्रीन पर आग लगा दी। गाने ने सोशल मीडिया पर डांस चैलेंजेस में भी अपनी जगह बनाई। नोरा के एक शानदार मूव से आपको पता चल जाएगा कि कोरियोग्राफर आदिल शेख के अलावा उन्होंने भी गाने में कुछ हिस्सों में क्यों कोरियोग्राफ किया। अरेबिक सेटिंग में आधुनिक टचेस, वाह जोशीला संगीत, मोहक स्वर और कामुक डांस मूव्स के ढेर ने इस गाने को बेस्ट बॉलीवुड सीक्वेंस में अपना स्थान दिलाया है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नंबर वन, काला चश्मा, फिल्म बार बार देखो। काला चश्मा है स्वैग, स्वैग और स्वैग से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए तो 2022 में नॉर्वेजियन डांसर्स पेपा पिग और डेमी लोवेटो के सोशल पोस्ट के साथ ये गाना ट्रेंड कर रहा था। हालांकि रील रैपर बादशाह द्वारा रिक्रिएट किए गए 2016 के ट्रैक का रीमिक्स है, लेकिन ग्रूवी संगीत अभी भी वैसा ही है और इसे ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इस गाने को जोशीले देसी और आज के पॉप एलिमेंट्स के मिश्रण के साथ पर्दे पर उतारा गया है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना ने गाने के हर फ्रेम में स्वैग बिखेरा है। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। इसका हुक स्टेप भी फैन का फेवरेट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आप काले चश्मे के साथ अपना स्वैग दिखा सकते हैं तब तक आपको सही स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। क्या आप सहमत हैं हमारे लिस्ट से? चेकआउट वॉच मोजो की ये दूसरी रीसेंट क्लिप और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।